पानीपत के गांव नारायणा के पास नहर किनारे सेल्फी लेते एक युवक का पैर फिसल गया है। पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण 17 वर्षीय युवक नदी में बह गया, जिसे बचाने आए पास खड़े फुफेरे भाई ने हाथ बढ़ाया तो वो भी नदी में बह गया। लेकिन स्थानीय लोगों ने फुफेरे भाई को बाहर निकाल लिया है। वहीं फुफेरे भाई को लोगों ने सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद युवक को छुट्टी दे दी गई है। वहीं परिजनों ने लापता युवक की नहर में तलाश शुरू कर दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गांव असारा निवासी रिजवान ने बताया कि एक महीने पहले वो बागपत के गांव बड़का निवासी अपने ममेरे भाई साहिल के साथ गांव नारायणा में मेहनत मजदूरी करने के लिए आया था। बुधवार को शाम 5 बजे ममेरे भाई साहिल ने नारायणा से पास नहर किनारे फोटो खींचने की जिद की, जिसके बाद वो दोनों नहर पर गए। इसी बीच साहिल नहर किनारे नीचे उतर गया और सेल्फी लेते समय साहिल का पैर फिसल गया। इस दौरान वो पेशाब करने थोड़ी दूरी पे गया था कि साहिल ने बचाव की आवाज लगाई, जिसके बाद वो दौड़कर भाई के पास पहुंचा और मदद के लिए हाथ बढ़ाया तो साहिल ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन इसी बीच उसका संतुलन बिगड़ गया और वो भी नहर में जा गिरा। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उसे देख लिया और दौड़कर उसे बाहर निकाल लिया, लेकिन पानी का बहाव ज्यादा तेज होने की वजह से साहिल नहर में बह गया। रिजवान ने बताया कि साहिल 3 बहनों का सबसे बड़ा भाई था। उसके पिता मेहनत मजदूरी कर परिवार का पेट पालते हैं। लड़का गिरा था, कैसे क्या हुआ? मतलब यार जी अभी हाँ सुबह जी कल पता लगा था मम्मी का। कितने साल का था? अच्छा हो गई कम से कम 18-19 साल का लगा था। ऐसे कैसे गिर गया? दो बंदे थे नारे थे नहीं बैठे हुए हैं घूमना रहे थे। अच्छा मैं लट गए दोनों उन बड़े दोनों ही गिर गए। दोनों गिर गए? हाँ दोनों गिर गए। गाँव वाले ने बचाई फिर उन्हें एक बचा लिया एक बच गया एक रह गया। कौन सा रह गया? क्या नाम था? साहिल। कौन से गांव का था? हिलवाड़ी। हिलवाड़ी बागपत। नाम आपका? इरफान गोताखोर हूँ बागपत से। अच्छा उत्तर प्रदेश बागपत इरफान गोताखोर। और एक लड़का हिलवाड़ी से शाहिन नाम का शनोब फरमान यहाँ मजदूरी करने आ रहे थे, बेलदारी करते थे वे लड़के। कौन से गांव में? नरेणा में। अच्छा बेलदारी करते थे और यहाँ पे एक छुट्टी करके नहर पे घूमने आ गए और घूमने के मतलब जो है कि खुशी में जैसे कि बच्चों को आजकल के लड़कों को ऐसी तहजीब रहती है यहाँ नहर पे घूमने लगे। यहाँ नहर पे शलोफ है, शलोफ पे से रपट के दो लड़के डूबे। दो लड़के जब डूबने लगे तो एक लड़के को तो गाँव वालों ने बचा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद गाँव वालों का। और एक लड़का भी नहर में गायब है। हम गोताखोरों की टीम आई है बागपत से, उत्तर प्रदेश बागपत से, जिसमें हमारी सरकार ने हमें हर सुविधा दे रखी है। लाइफ जैकेट 2+1 कांटे और सभी हमारे विधायक योगेश धामा जी जो भाजपा से विधायक हैं बीजेपी से, उन्होंने सारी सुविधा हमें दे रखी है। जो लड़का डूबा उसका क्या नाम था? शाहिल। जिसको निकाला उसका क्या नाम था? रिजवान। उसको बचा लिया? जी उसको बचा लिया। पुलिस को इतला की है? पुलिस को इतला की है। पुलिस बहुत अच्छी सुरक्षा दे रही है, पुलिस अच्छा ध्यान दे रही है। मौके पर आई थी पुलिस? मौके पर आई थी पुलिस। आपका? फरमान। किसके पिता हैं आप? शाहिल के। क्या कुछ हुआ था ये? वे लड़के आ रहे थे तो यहाँ पर घूम रहे थे, पता नहीं कैसे हुआ मुझे तो। अच्छा शाम 5 बजे पता चला मुझे, फिर मैं यहाँ पर आया। क्या करने के लिए आ रहे थे यहाँ पे? मजदूरी कर रहे थे यहाँ पर। कितने दिन से? हो गया 1 महीना। तो शाम को यहाँ घूमने के लिए आए थे? हाँ जी। तो ऐसे कैसे गिरे? पता नहीं जी, वो स्लोप पे थे, यहाँ पैर रपट गया चक्कर में। दूसरा भी अभी तक कोई सुराग नहीं है साहिल का? कोई सुराग नहीं साहिल। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।